What's up, success seekers? Welcome to the third episode of the inspirational web series You versus You season 2 with me, Sajan Shah. दोस्तों, अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 नहीं देखा है, सबसे पहले उनको देखो, उसे अपने जिंदगी के अंदर अप्लाई करो, बिकॉज ये थर्ड स्टेज है, थर्ड लेवल है जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए. बिकॉज आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो एक ऐसी क्वालिटी डिस्क्राइब करने वाला हूँ जिस क्वालिटी को जब आप सुनोगे, समझोगे और स्ट्रेटेजिकली जब उसे एग्जीक्यूट करोगे, तो आपके लाइफ थर्ड स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो जाएगी. जी हाँ, आज दिन तक आप जितने भी लोगों को अपने इंस्पिरेशनल लीडर्स गिनते थे, ये जो क्वालिटी है ना, उन सारे के सारे लोगों के अंदर है. मैं जिस क्वालिटी की बात कर रहा हूं, उस क्वालिटी को मैं कहता हूं क्वालिटी ऑफ फोकस. फोकस ये बड़ा पावरफुल चीज है, पर अनफॉर्चुनेटली होता कुछ ऐसा है कि आज हम इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शन के सिनेरियो के अंदर जी रहे हैं कि हम कभी भी सिंगल ट्रैक फोकस एक चीज के लिए रख ही नहीं पाते. इतने हद तक आज हमारा कोई दोस्त होता है जो हमको कहता है कि यार एक नया बिजनेस फील्ड आया है, इसके अंदर ट्राई कर, 100% ब्रेक थ्रू मिलेगा. हम उसके बाद में आके वो ट्राई करने लगते हैं. 6 महीने, 1 साल के बाद और एक नया अपॉर्चुनिटी आता है, अगेन हम उस अपॉर्चुनिटी के अंदर जंप कर देते हैं. हम इतना ज्यादा जंपिंग सिस्टम के अंदर है कि हम कभी भी एक कोर्स, एक फील्ड सिंगल ट्रैक फोकस के साथ हमारी जिंदगी नहीं जी पाते. आइए, आप मैं एक ऐसे रिवॉल्यूशनरी लीडर के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको पूरी दुनिया बाबा साहेब आंबेडकर के नाम से जानती है. दोस्तों, एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाबा साहेब आंबेडकर को एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि सर, जब देश आजाद हो रहा था, उस ड्यूरेशन पर देश के सारे दिग्गज लीडर मिलके एफर्ट्स दे रहे थे, तो उस ड्यूरेशन पर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं रहा, जबकि उस ड्यूरेशन पर आपका भी प्रभाव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था. बाबा साहेब आंबेडकर ने हंसते हंसते एक आंसर दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, जिसको भी अगर समझ लोगे तो अगेन एपिसोड 3 का जो पूरा सार था आपको ऑन दैट मोमेंट पता चल जाएगा जैसे आप बाबा साहेब आंबेडकर का एग्जांपल सुनोगे. बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा कि यंग एज में मैंने मेरी जिंदगी का एक कॉज फिक्स कर दिया था, और वो कॉज ये था कि मैं इंडिया के अंदर से अनटचेबिलिटी यानी कि जातिवाद को जड़ से रिमूव करना चाहता हूँ. और मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं मेरे कॉज से अगर माइनर भी डाइवर्जन करता हूं, तो शायद मैं मेरे कॉज के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगा. इसकी वजह से ही मैंने डे एंड नाइट सिर्फ और सिर्फ मेरे सारे एफर्ट्स, एनर्जी और फोकस जातिवाद अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के अंदर लगाया था. दोस्तों, और आज हम सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहेब आंबेडकर जी के वही एफर्ट से आज इंडिया कहां से कहां स्पेशली अनटचेबिलिटी के अंदर पहुंच चुका है. ऐसे हजारों एग्जाम्पल हमारी हिस्ट्री के अंदर है. सचिन तेंदुलकर, राइट, उनकी वाइफ अंजलि तेंदुलकर ने एक इंटरव्यू के अंदर यह भी कहा था कि इतिहास के अंदर जब सचिन क्रिकेट खेल रहे थे, उस ड्यूरेशन पर कई बार ऐसा आया कि दिवाली थी, बच्चों की बर्थडे थी, उनकी एनिवर्सरी थी, कोई बड़ा फेस्टिवल था, ऐसे प्राइम प्रिविलेज डेज के अंदर भी सचिन घर पर नहीं होते थे, बिकॉज उनका सेंट्रिक फोकस ये था कि वो क्रिकेट के अंदर उनका जो विजन था, उनका जो पर्पस था, उसके साथ जस्टिस करना चाहते थे. नेल्सन मंडेला जेल तक जा चुके हैं. ऐसे अगेन हजारों एग्जांपल्स हैं जिन लोगों ने अपनी पूरी की पूरी लाइफ सिंगल ट्रैक फोकस, एक कॉज, एक पर्पस, एक गोल को जस्टिस करने के लिए दोस्तों लगा दिया था. दोस्तों, एक चीज बहुत सिंपल है, मैं समझो, जब तक एक कॉज को जिंदगी के अंदर फाइनल नहीं करोगे, जब तक एक पर्पस को जिंदगी के अंदर फाइनल नहीं करोगे, तब तक आपकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आप एक कटी पतंग की तरह जीने वाले हो. जिस दिशा में हवा आई उस दिशा में चले गए. आज किसी ने ये किया तो बोलो चलो ये कर लेते, कल किसी ने और एक सजेशन दिया तो एक काम करो चलो ये भी कर लेते. दोस्तों, ऐसी जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है. एक पर्पस फाइनल करो, चाहे आप कोई भी फील्ड के अंदर हो, आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, और आने वाले 10 साल सिंगल ट्रैक फोकस के साथ उस पर्पस को जस्टिस करने में लगा दें, ट्रस्ट मी, आप और आपका लाइफ पूरे वर्ल्ड के लिए एक एग्जांपल बन जाएगा. एक और एग्जांपल देना चाहूंगा आपको. लेट्स से कि अगर आपको 15 दिन कहीं पर घूमने के लिए जाना हो, तो उसका तैयारी आप कब से करना स्टार्ट करोगे? आप बोलोगे साजन, हम 3 महीने पहले एयर टिकट्स बुक करेंगे, 1 महीने पहले होटल बुकिंग्स कर देंगे, 15 दिन पहले सारा का पूरा सारा साइट सीन्स का पूरा लिस्ट बना देंगे, कहाँ कहाँ पर घूमना है, क्या क्या जगह देखना है, राइट? मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप इतनी तैयारी क्यों कर रहे हो? आप कहोगे जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन साजन, कि हम चाहते हैं कि हमारा जो 15 दिन का जो वेकेशन है ना, उसको हम आउटस्टैंडिंग अमेजिंग वे में एंजॉय करना चाहते हैं, इसीलिए हम नहीं चाहते कि भी एक माइनर मोमेंट भी हम उसके अंदर मिस करें, इसीलिए हम 3 महीने पहले उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? मेरा सवाल सिंपल ये है कि अगर 15 दिन को बेस्ट बनाने के लिए आप उसकी तैयारी 3 महीने पहले कर देते हो, जिंदगी कैसे जीना है, कौन से पर्पस पे जीना है, कौन से फोकस पे जीना है, वो हमने कब किया?
जबकि हमारी जिंदगी का वो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है माय डियर फ्रेंड्स। मैं मेरी खुद की बात करता हूँ, एट द एज ऑफ 16 आई डिसाइडेड कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 एंड हाफ, ऑलमोस्ट मैं ऐसा कह सकता हूँ पहले 6.5 साल तक मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मेरे पास पर्पस था, विजन था कि क्या करना है, कैसे करना है, किस हिसाब से करना है। एंड आज उस बात को ऑलमोस्ट 11 साल हो चुके हैं। मैं स्टार्टिंग के 6.5 साल के अंदर ना ही कोई सोशल फंक्शन अटेंड किया हूँ, ना ही मैं कोई बर्थडे पार्टीज के अंदर गया हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न। मैं चाहता था कि मेरे 100% टाइम के साथ जो जस्टिस है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ नया नॉलेज गेन करके नई चीज़ें समझ के और उसे एग्जीक्यूट करते ही ला सकता हूँ। दोस्तों फोकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे निग्लेक्ट मत करो। जिस दिन जिंदगी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पर्पज आ गया ना, ट्रस्ट मी बाकी के सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ना वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो आज आपका सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन आपका मोबाइल, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपका सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि आपके आसपास वाले लोग जो पूरा दिन सराउंडिंग के अंदर गॉसिप और छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर रहे थे, ये सारी चीज़ है। अगर आप हाउस वाइफ हो, अगेन आपका कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है, और ये सारे डिस्ट्रैक्शन की वजह से ही सिंगुलर फोकस हमारा जिंदगी के अंदर नहीं होता। आपने कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर को एक एग्जांपल देते हुए सुना होगा कि मैग्नीफाई लेंस कंसेप्ट, कि मैग्नीफाई लेंस को पेपर के नीचे रखो, ऊपर से सनलाइट आ रहा है और उसे होल्ड करके रखो। अब होल्ड करके रखोगे तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि सनलाइट की वजह से वो नीचे का जो पेपर है ना वो जलेगा। लेट्स अगर यही मैग्नीफाई लेंस की जो पोजिशन है अगर हम हर 5-5 मिनट के अंदर चेंज कर दे तो पूरा जिंदगी भी अगर मेहनत करोगे ना तभी भी नीचे का पेपर कभी भी नहीं जलने वाला। सेम गोज विद द लाइफ टू, एक चीज को पकड़ो तब तक पकड़ के रखो जब तक आप उस फील्ड के, उस चीज के चैंपियन ना बन जाओ। और इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है अगर फोकस राइट है, डायरेक्शन राइट है और गोल राइट है। नाउ कम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एपिसोड, जिसे मैं कहता हूं चैलेंज ऑफ द डे। चैलेंज ऑफ द डे ये है कि आज हम हमारे जिंदगी का वो जो एक सिंगल फोकस जो है ना उसको हम सेट करने वाले हैं। दोस्तों आज शाम को जब टोटली फ्री हो जाओ ना, 10-15 मिनट शांति से अकेले रूम के अंदर बैठो, जस्ट रिलैक्स। 10 मिनट रिलैक्स होने के बाद एक प्लेन पेपर लो और पेन लो, उसके अंदर फोकस को सेट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसे मैं कहता हूं गोल्स। गोल्स के रेफरेंस में आपने काफी सारे वीडियोस देखे होंगे, काफी सारे नॉलेज भी गेन किया होगा, लेकिन उसमें बहुत सिंपल वे में आपको भी समझा रहा हूं। कोई भी एक गोल सेट करो और उस गोल को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करो, नंबर 1 लॉन्ग टर्म, नंबर 2 मिडिल टर्म एंड नंबर 3 शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का सिंपल मीनिंग है कि सबसे पहले आने वाले 3 महीने के अंदर आप क्या अचीव करने वाले हो। मिडिल टर्म का मीनिंग ये है कि सबसे पहले आने वाले 6 महीने के अंदर आप क्या अचीव करने वाले हो। एंड लॉन्ग टर्म ये है कि आने वाले 1 साल के अंदर आप क्या अचीव करने वाले हो। सिर्फ 3 चीजें सेट करो कोई भी एक फील्ड के अंदर। लेट्स से अगर हेल्थ है तो आपका अगर टारगेट ऐसा है कि आप 1 साल के अंदर 15 किलो वजन कम करना चाहते हो, सबसे पहले शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करो कि पहले 3 महीने के अंदर मैं 5 किलो कम करूंगा। मिडिल टर्म टारगेट सेट करो, पहले 6 महीने के अंदर मैं 10 किलो तक पहुंचूंगा और 12 महीने के अंदर मैं 15 किलो का टारगेट अचीव करूंगा। राइट, फोकस सेट करो, गोल सेट करो, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये बेसिक चीज जब सेट होगी ना तब आपका दिमाग तैयार होगा कि आपको एक्चुअली में क्या पाना है, कहां पर पहुंचना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप उसके ऊपर कैसे पहुंचोगे। फोकस और गोल के अंदर स्टडी रहने के लिए 4 मेजर स्टेप्स है। यूजुअली कैसा होता है कि लोग सिर्फ फर्स्ट स्टेप एंड फोर्थ स्टेप ही फॉलो करते, बीच के 2 स्टेप मिस हो जाते हैं, इसकी वजह से मेजोरिटी ऑफ लोग अपना गोल और अपना फोकस अचीव नहीं कर पाते। 4 स्टेप के अंदर सबसे पहला स्टेप आता है इंफॉर्मेशन, सेकंड स्टेप आता है डेटा, 3rd स्टेप आता है नॉलेज एंड 4th स्टेप आता है एक्शन। इंफॉर्मेशन, डेटा, नॉलेज एंड एक्शन। अब आप समझ चुके होंगे मैं एग्जैक्टली आपको क्या कहना चाहता हूं। ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन फेच करते हैं एंड एक्शंस करना स्टार्ट कर देते हैं, डेटा एंड नॉलेज मिसिंग हो जाता है। इसीलिए 90% ऑफ टाइम कोई भी नई चीज को जब आप स्टार्ट करते हो ना तो एक एंथुसियाज्म, एक पैशन के साथ स्टार्ट करते हो, लेकिन 2 या 3 महीने के बाद वो सारी की सारी चीजें फेड अवे हो जाती है। इंफॉर्मेशन सिंपली मीन्स कि आप जो चीज करना चाहते हो, आप जहां पर भी पहुंचना चाहते हो उसका एज टू एज डिटेल आपके पास होना चाहिए। डेटा, डेटा सिंपली मीन्स कि आपके आसपास जितने भी कंपिटिटिव लोग हैं, जितने भी कंपिटिटिव कंपनीज हैं, जितने भी कंपिटिटिव एटमॉस्फेयर है कि जो सेम टू सेम टारगेट अचीव करना चाहते हैं, उसका सारा इन डेप्थ डिटेल आपके पास होना चाहिए। 3rd है नॉलेज, आप जो चीज अचीव करना चाहते हो ना उसका हार्ड कोर नॉलेज, स्ट्रेंथ, वीकनेस से लेके हर एक चीज आपके पास होना चाहिए और उसको एग्जीक्यूट करने का पूरा स्ट्रेटेजिकल प्लान होना चाहिए। ये 3 स्टेप क्लियर हो जाए, 1, 2 एंड 3, इंफॉर्मेशन, डेटा एंड नॉलेज, बाद में ही 4th स्टेप आता है जिसे मैं कहता हूं एक्शन। लेट्स से आपका टारगेट है कि आप 1 साल के अंदर कुछ ट्रिमेंडस वे में मैसिव चीज अचीव करना चाहते हो। ओके, सबसे पहली प्रायोरिटी के अंदर पहले 15 दिन जो है ना उस टारगेट की सारी इंफॉर्मेशन फेच करने के लिए इन्वेस्ट करो।
नेक्स्ट 15 डेज जो है उसमें सारे के सारे डेटा कंपिटिटिव कंपनी से लेके, कंपिटिटिव लोग से लेके, उनकी क्या स्किल है, हमारे पास क्या मिसिंग है, वो सारा का सारा डेटा फेच करने के लिए इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट 15 डेज जो है उसका सिर्फ नॉलेज गेन करो कि यार इस चीज को अचीव करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए जो हमारे पास नहीं है, और उसे हम हमारी जिंदगी के अंदर कैसे इम्बाइब कर सकते हैं, कौन से सोर्स से कर सकते हैं। लास्ट 15 डेज जो है ना उसके अंदर सिर्फ तैयारी करो कि नेक्स्ट 10 महीने आप अपनी जिंदगी को कैसे जियोगे, किस हिसाब से जियोगे, कौन से प्लानिंग स्ट्रक्चर के अंदर जियोगे। अगर ये 4 स्टेप आपने परफेक्टली कर दिए, ट्रस्ट मी, आपकी जिंदगी ऑन दैट मोमेंट ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ 3 एग्जांपल दूंगा और आप एग्जैक्टली समझ जाओगे मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। सबसे पहले एग्जांपल देना चाहूंगा मैं हेल्थ के रेफरेंस से। लेट्स से आपका टारगेट है कि आप 1 साल के अंदर 15 किलो वजन कम करना चाहते हो। ओके, सबसे पहला स्टेप आया इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने टारगेट सेट कर दिया कि शॉर्ट टर्म 5 किलो था मतलब 3 महीने के अंदर, मिडिल टर्म 6 महीने के अंदर 10 किलो था, और 12 महीने के अंदर 15 किलो था, राइट। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म में। अब आया डेटा, मतलब कि आप अगर वेट लॉस करना चाहते हो तो आपके आसपास में सराउंडिंग में ऐसे कैसे लोग हैं, कितने लोग हैं, आपको कौन गाइड कर रहा है, कौन कोच करेगा, कौन आपको हेल्प करेगा, उन सारे के सारे लोगों का डिटेल स्ट्रक्चर आपके पास रेडी होना चाहिए। उनको फोन करो, अपना टारगेट बता दो और उनको बोलो कि मुझे ये अचीव करना है, ताकि डेटा वाइज आप 100% स्ट्रांग हो जाओ कि कैलोरी कैसे बढ़ती है, जिम कितना करना है, सुबह कितने बजे उठना है, कौन सा डाइट लेना है, वो सारा का सारा कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। थर्ड स्टेप आता है नॉलेज। नॉलेज के अंदर आप लेट्स अगर वेट लॉस कर रहे हो तो वेट लॉस के माइनर डिटेल्स, क्या खाने से कितना कैलोरी बढ़ रहा है, क्या करने से कितना कैलोरी कम होने वाला है, कैसे एक्सरसाइज करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ड्यूरेशन पर कैसा होना, वो पूरा का पूरा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन, डेटा, नॉलेज, ये 3 चीज जब आप कंप्लीट करोगे उसके बाद में आता है 4th स्टेप जिसे मैं कहता हूँ एक्शन। एक बार ये 3 चीज क्लियर हो जाए ना, बाद में डेडिकेशन के साथ एक्शन लेना स्टार्ट कर दो, फिटनेस स्टूडियो ज्वाइन करो, जो करना है करो, लेकिन एंड ऑफ द डे शाम धाम दंड भेद, ये 4 चीज स्ट्रांग होगी ना, फोकस क्लियर रहेगा, डायरेक्शन क्लियर रहेगा, और आप 90% प्रोबेबिलिटी के साथ उस टारगेट को अचीव कर पाओगे। सेकंड एग्जांपल फॉर स्टूडेंट्स, लेट्स से आप 40-50% ला रहे हो, अब आपका टारगेट है आपको 90% लाना है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के अंदर टारगेट सेट करो शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म। उसके बाद में सेकंड स्टेप आता है डेटा। डेटा के अंदर आपकी जो जो कमजोरियां है, लेट्स से आपके जितने जितने आसपास में सराउंडिंग में ऐसे दोस्त है, ऐसे ट्यूटर्स है जो आपको आपका टारगेट अचीव करने के लिए मदद कर सके, उन सारे के सारे लोगों का डिटेल निकालो, उनको फोन करो, उनको कन्विंस करो कि आपका ये जर्नी है और उस जर्नी के अंदर आपको उनका जरूरत है, और उसे कन्विंस जैसे ही कर लोगे आपका सेकंड स्टेप डेटा क्लियर हो जाएगा। थर्ड आया नॉलेज। अब आपकी जितनी जितनी वीकनेसेस है वो सारी की सारी वीकनेसेस पर काम करना स्टार्ट करो, उसे सबसे पहले इंप्रूव करो, तभी जाके अंदर से वो स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस बाहर आएगा, बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होगा, तब जाके आप 4th स्टेज के लिए तैयार हो जाओगे जिस स्टेज को मैं कहता हूं एक्शन, और बाद में डेडिकेशन के साथ एक्शन देना स्टार्ट करो, आप सिंगल ट्रैक में उस टारगेट को अचीव कर लोगे। लास्ट एग्जांपल एंड माय फेवरेट एग्जांपल फॉर ऑल द बिजनेसमैन, लेट्स अगर आपका टारगेट है कि आप साल के अंदर 25 लाख रुपए कमाना चाहते हो। ओके, सबसे पहले आता है उसके अंदर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के अंदर शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म का टारगेट पूरा सेट करो। एक बार इन्फॉर्मेशन का टारगेट सेट हो जाता है ना, बाद में सेकंड स्टेप आता है, इसे मैं कहता हूं डेटा। लेट्स अगर आप आईटी कंपनी के अंदर हो तो आपके पास एच टू एच डिटेल होना चाहिए कि वर्ल्ड की जितनी भी टॉप आईटी कंपनी है, इंडिया की जितनी भी टॉप आईटी कंपनी है, वो कैसे काम कर रही है, उनका पोटेंशियल मार्केट कहां पर है, वो कैसे चीज़ों को अप्रोच कर रही है, वो कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करती है, सारा का सारा डेटा फेच करने का स्टार्ट करो। एक बार डेटा फेच हो जाता है, बाद में आता है थर्ड स्टेप, इसे मैं कहता हूं नॉलेज। लेट्स से इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, डेटा कंप्लीट हो गया, नॉलेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो भी फील्ड के अंदर काम कर रहे हो उस फील्ड के रेफरेंस की आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपको कहाँ कहाँ से अपॉर्चुनिटी निकालना है, वो सारा का सारा कंप्लीट डिटेल आपके पास होना चाहिए विद द एग्जीक्यूशन प्लान। और जब तक वो कंप्लीट ना हो तब तक आप स्टेप 4 एक्शन के अंदर नहीं आ सकोगे। नॉलेज के अंदर अगर ज़्यादा डिटेल में समझना है तो मैं ऐसा रिकमेंड करता हूँ कि लास्ट ईयर जब हमने यू वर्सेस यू सीजन 1 रिकॉर्ड किया तो उसके अंदर एक स्पेशल एपिसोड था जिसको मैं कहता हूँ स्वॉट एनालिसिस एपिसोड, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ये सारे का एनालिसिस कैसे करने का उसका एक स्पेशल एपिसोड हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। एक बार उस एपिसोड को देखो, क्योंकि जब उसको देखोगे ना तब एग्जैक्टली समझ जाओगे कि नॉलेज का जो पोर्शन है ना उसकी मास्टरी हमको हमारी जिंदगी के अंदर कैसे लेने की। इन्फॉर्मेशन राइट हो गया, डेटा राइट हो गया, नॉलेज राइट हो गया, उसके बाद में लास्ट स्टेप आएगा एक्शंस। हार्ड कोर एक्शन लेना स्टार्ट करो एंड आई प्रॉमिस यू दैट कि आप लाइफ के अंदर अनस्टॉपेबल बन जाओगे, अनस्टॉपेबल माय डियर फ्रेंड, ट्रस्ट माय वर्ड्स। सो दोस्तों, स्टार्ट किया था बाबा साहेब अंबेडकर के साथ,
उसके बाद में सचिन का एग्जाम्पल समझा था, नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल समझा था, उसी के साथ साथ ये भी समझा था कि जिंदगी के अंदर फोकस का इंपॉर्टेंस क्या है, वो वैकेशन वाला एग्जाम्पल देता था राइट। उसके बाद में फोकस को सेट करने के लिए गोल्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो समझा, शॉर्ट टर्म मिडिल टर्म लॉन्ग टर्म ये तीनों तीन सब्जेक्ट्स की क्लैरिटी ली, इन्फॉर्मेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, डेटा का क्या इंपॉर्टेंस है, नॉलेज का क्या इंपॉर्टेंस है और एक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये चारों चार पैरामीटर को हम लोगों ने तीन एग्जांपल के पैरामीटर पर समझा, हेल्थ वाला एग्जांपल, स्टूडेंट वाला एग्जांपल, बिजनेसमैन वाला एग्जांपल। ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग के अंदर क्लियर हो गई है तो वेट मत करना, आज से ही एक्शन लेना स्टार्ट करना है। मेक श्योर वन थिंग, आप जितनी भी चीजें सीखे हो उसे मिनिमम 5 लोगों के साथ शेयर करो, बिकॉज आपके साथ साथ वो भी अपने जिंदगी के अंदर एक नया ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर दे। ओके दोस्तों, सो जल्द मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, कुछ नए लर्निंग, कुछ नए एग्जांपल, कुछ नए स्ट्रेटेजिकल एग्जीक्यूशन के साथ। तब तक के लिए आओ जो, अलविदा, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, गुड बाय एंड जय हिंद।